विश्वास रहे, ये आस रहे। कदम बड़े हैं तो नहीं रुकेंगे, कितनी भी आ जाएं मुश्किलें, साहसी जज्बे नहीं थमेंगे। सोचा है तो पाएंगे, हम डायमंड बनकर दिखलाएंगे। ऐसे ही साहसिक आशाओं से भरे सेफ शॉप के डायमंड हैं रोहतास सिंह यादव। हरियाणा, जहां जिंदगी मुस्कुराती है, हर एक चेहरे पर खुशियों की रोशनी जगमगाती है। हरियाणवी भाषा की खुशबू जब कानों में खुलती है तो यू लगता है जैसे पान में मीठा किमाम घुलता है। इसी जिंदा दिल प्रदेश का एक जिला है महेंद्रगढ़, जिसकी तहसील है कनीना, और इस तहसील में एक सीधा साधा सा गांव है गाहड़ा। और इसी गांव में आर्मी के एक जाबाज सिपाही श्री बलराम यादव और उनकी पत्नी श्रीमती वेदवती जी के घर पांचवी संतान के रूप में 15 अगस्त 1979 जिस विलक्षण प्रतिभा का जन्म हुआ, वही है आज के नामवर डायमंड मिस्टर रोहतास सिंह यादव। जो आज हजारों लोगों के साथ मिलकर सेफ शॉप के जरिए निर्धन उम्मीदों में आस के रंग भर रहे हैं, उन्हें अर्थहीन जिंदगी से छुटकारा दिला रहे हैं। लेकिन सेना से जुड़े रहे इस सिपाही की सफलता की कहानी सपाट नहीं, बल्कि उतार चढ़ाव भरी है। 7 भाई बहनों में पांचवे रोहतास जी का बचपन गांव की ही शरारती गलियों में मस्तियों में गुजरा। 5वीं तक की पढ़ाई भी आपने यहीं से पूरी की और 6वीं से 10वीं तक की शिक्षा सीहोर से पूरी की और प्रभाकर एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से तालीम भी ली। 10वीं के बाद पारिवारिक आर्थिक मजबूरियों को देखते हुए मुर्गी फार्म भी खोला। ये बात 1998 की है, जब आपने नासिक में अपने दोस्तों के साथ इंडियन आर्मी की भर्ती देखी और वर्ष 1999 में ही आर्मी ज्वाइन भी कर ली। क्योंकि पिताजी 8 साल आर्मी में नौकरी करके छोड़ चुके थे, परिवार आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा था, तब यही निर्णय ही सही निर्णय था। आर्मी में रहते हुए ही 6/5/2000 को आपने सौभाग्य कांक्षी उर्मिला देवी से विवाह किया। 2001 में मासूम खुशी के रूप में प्रथम पुत्र रत्न विनय यादव का जन्म हुआ और सन 2004 को मुस्कान जैसी बेटी का आगमन हुआ। समय अपनी गति से बढ़ता रहा, मौसम आते जाते रहे, जिंदगी धीमे धीमे बढ़ती रही, मगर जीवन में कुछ और ही लिखा था। जब आपकी पोस्टिंग ग्लेशियर में थी, उन दिनों आपको तेजपाल यादव जी ने सेफ शॉप का प्लान दिखाया। एक ऐसा प्लान जो जीवन की हर जरूरत पूरी कर सकता था,
इस एक प्लान ने आपके जीवन को नई दिशा दी। आप इस अद्भुत दुनिया से जुड़ गए, लेकिन नौकरी से छुट्टी ना मिलने की वजह से आपने अपनी कामयाबी के मिशन का शुभारंभ करने में जरा सा वक्त लगाया। महीनों बाद जब दिसंबर 2013 को आप छुट्टियों पर वापस आए तो विजय युद्ध प्रारंभ हुआ। शहर रोहतक में डायमंड सेलिब्रेशन देखकर आप अभिभूत हो गए। 7 दिसंबर 2015 को आपने आर्मी को अलविदा कह दिया। मुश्किलें आईं, रिजेक्शंस मिले, तिरस्कार का दौर देखा, लेकिन अपना विश्वास कमजोर नहीं होने दिया। लेकिन अपलाइन का सकारात्मक सहयोग, टूल्स और मार्गदर्शन ने कभी डिगने न दिया, और उसके बाद न आप रुके, न थमे, न डरे और न ही डिगे। हजारों आंधियां आए, हजारों मुश्किलें रोके, जो जिद से निकलते हैं वो मंजिल तक पहुंचते हैं। अपनी सच्ची लगन, मेहनत और समर्पण के बूते इको स्पोर्ट्स टॉप मॉडल कार खरीदी, अपनी पत्नी को स्कूटी भी दिलाई, देश के नामचीन शहरों के जमीन पर अपने कदमों का निशान छोड़ा, स्पेन और यूरोप जैसे मुल्कों की यात्राएं की। आज हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में आपकी हजारों लोगों की टीम उत्साह के साथ अपने और अपने लोगों की जिंदगी को एक कामयाब मायने दे रही है। महंगे से महंगा मोबाइल यूज करते हैं, हवाओं में सफर करते हैं, लोगों की आशाओं में रंग भरते हैं, और आपकी पत्नी इस विकास यात्रा में सदैव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। आप सेफ शॉप अपने गुरुओं को, अपनी टीम को इस कामयाबी का श्रेय देते हैं। यह आपकी महानता भी है और सम्मान भी। ये डायमंड श्री रोहतास सिंह यादव को उम्मीद भरा सलाम। जय सेफ शॉप, जय हो रोहतास जी।
सूरज खुद का उगाते हैं, हौसलों के डर लगा के वक्त से आगे जाते हैं, जो अपना मुकद्दर लिखते हैं मंजिल पुत्री बनाते हैं, तूफानों से लड़ते हैं साहस पहने चलते हैं। Lead us forever.